रमन विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल की ओर से विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस विज्ञान मेले का उद्घाटन आज नीरी के पूर्व निदेशक डॉक्टर सतीश वट्टे की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री उपस्थित थे। रमन विज्ञान केंद्र की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को विज्ञान से जुड़ी सटीक जानकारी, रिसर्च से जुड़ी जानकारी और विज्ञान के प्रति छात्र एवं सामान्य नागरिकों में विज्ञान जागृति हो, उनकी जिज्ञासा का समाधान हो, इसी उद्देश्य से यह विज्ञान मेला आयोजित किया गया है। सर, दो क्रूशियल डायमेंशन है। एक तो है जो हमारा देश का जाने माने R&D इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि CSIR है, CSIR का बहुत सारे लैब्स है, इसरो है, ये एल्युमिनियम रिसर्च है, बहुत सारे ऐसे R&D इंस्टीट्यूशंस है जो कभी सोसाइटी का जो इंटरफेस है वो एक क्लियर ब्रीजिंग नहीं होता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो एस्पायर करते हैं कि फ्यूचर में वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करें, लेकिन उनका वो मौका नहीं मिलता है कि वो इंस्टीट्यूशन में क्या एग्जैक्टली होता है वो देखने का या वो जानने का। जो इधर हम लोगों का ये जो स्टॉल्स एक एक R&D इंस्टीट्यूशंस को इसलिए इन्वाइट किया जाता है कि वो इधर आके वो डायरेक्टली सीख पाए कि क्या होता है उधर, क्या उनका उद्देश्य है, क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट या R&D का जो आउटपुट बनता है वो कैसे हमारा रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उस R&D इंस्टीट्यूशन जैसे सोसाइटी तक पहुंच नहीं पाता है, ऐसे स्टूडेंट्स भी उनका बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं, उनका बहुत सारा, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक बच्चे को मिला था, जो बच्चे मेरे पास आया था, ही वॉज जस्ट अ किड, आई मीन ऑफ से 5th standard और 6th standard। तो वो आके मुझको पूछा कि सर ऐसे ऐसे हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में फर्दर रिसर्च या फर्दर जानने का मौका किधर मिलता है। तो ये जो गैप है, ये ब्रिजिंग करने का ये एक्सपो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिधर स्टूडेंट्स भी R&D इंस्टीट्यूट तक पहुंच सकते हैं और R&D इंस्टीट्यूट भी स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। दिस आई बिलीव दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल एंड द सोसाइटी एंड द R&D इंस्टीट्यूट्स बोथ कैन गेट टू नो ईच अदर। फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज वी हैव बीन रिसीविंग मोर देन 1000 स्कूल स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द जनरल विजिटर्स। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपो के टाइम पे हम लोग उससे ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट्स पर डे रिसीव करेंगे। स्पेशली सैटरडे संडे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिटेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये भी इनक्रेज करते हैं हमारा सोशल मीडिया और वेबसाइट पे और डिफरेंट जगह पे कि कैसे जनरल पब्लिक, स्कूल स्टूडेंट्स तो आते ही है, लेकिन जनरल पब्लिक कैसे हमारे पास आए हमारा ये जो एक्सपो है इसको देखने के लिए, इसका जो एक्सपीरियंस है वो लेने के लिए। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कई स्टॉल है जिससे छात्रों को उपयुक्त जानकारी प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।